तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि आसमानी खुदा तुझे बातों को पूरा करता है, और आज इस शाम में खुदा तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, और पाक खुदावन खुदा तो अपने लोगों पर अपने हाथ को फुड़ाए हुए और पाक खुदा तो अपनी बरकत को जारी करता है। इस बात के लिए खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और आसमानी खुदा दुआ करता जब तेरे बच्चे तेरी प्रशंसा करते हैं तो पाक खुदावन खुदा तो अपने लोगों की अपने बच्चों की प्रशंसा पर तब तो नशी है तो खुदा तू कसर की बारिश पाप रुकी कसर की बारिश यहाँ पर ताकि आसमानी खुदा तेरे लोग रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रशंसा करते रहे। और तेरा पाप रूह जो हम सबका मददगार है पाप खुदा मुकम्मल तौर पर हमारी रहनुमाई करे ताकि आसमानी खुदा हम पाप रूह की रहनुमाई में आज तेरे कलाम को सीखते रहे, क्योंकि आसमानी खुदा तेरा कलाम जिंदगियों को बदल देता है। और आज आसमानी खुदा हमें तेरे कलाम की जरूरत है, हमारी तरबियत कर अपने कलाम से। खुदा तेरे खादिम के लिए जिसने ये खूबसूरत प्रोग्राम तेरे पाक हुजूर में तरतीब किया है कसरत की बात बरकत सारे इंतजामिया पर सारे इंतजामात पर तेरी बरकत चाहता हो। जो लोग आ चुके इनके लिए शुक्र गुजारी करता हो, जो अभी तक नहीं पहुंचे खुदा को अपने जर और बाजू के साथ उनको ले आ ताकि खुदा मन खुदा आज सब हम मिलकर तेरे हजूर में तेरे नाम को जुड़ा देते हुए खुदा तेरे कलाम को हासिल कर सके मसीह यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ में बढ़ते हुए हम बेटे नए आए थे वो गीत में रनमाई करेंगे। यहोवा मेरे खुदा और बुजुर्ग का आशीर्वाद था Thank you.
तूने हमें आज ये अजीम वक्त बख्शा कि सब जमा होकर तेरी बड़ाई कर सकें, तुझे दुनिया भर कह सकें, तुझे मुबारक कह सकें, इसलिए कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा बचाने वाला है, मोहम्मद किला पनाहगाह और चट्टान है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आज के सीने से मांगते हैं आमीन। खुदा की तारीफ में बढ़ते हुए हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। ये सेमिनार खत्म किया गया है। मैं पास्टर आसिफ को दावत दूंगा आपकी तालियों की गूंज से, वो आएंगे और पास्टर शेयर करेंगे। हालेलुया।
तो एक आसमानी बाप का धन्यवाद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा हम तो अजीम और पाक है तू रब पाक खुदाए पाक है खुदाए वाहिद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा हम आसमानों पर तख्त नशीन है और खुदा हम 2400 घंटे के रसूल फरिश्ते तुझे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं आज आसमानी बाप हम तेरे रसूल बड़ी आजजी गौर की इंतसारी के साथ आते और खुदा हम तेरे कदूस 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 कहकर पुकारते और खुदा हम तेरे नाम की साइश करते बड़ियाई करते हैं क्योंकि खुदावन तू इसी के लायक है दुनिया में ऐ खुदावंद तूने ऐ खुदावंद किसी को ऐ खुदावंद ऐसी ऐ खुदावंद कुवत नहीं दी ऐसा ऐ खुदावंद मापूद नहीं है ऐ खुदावंद कोई इसके लायक नहीं है ऐ खुदावंद सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह और तेरा प्यारा बेटा ऐ खुदावंद जो इस दुनिया में आया और खुदावंद उसने हमारे गुनाहों खताओं का कफारा दिया और खुदावंद उसी के हुजूर हम आते और उसी की साइश करते और उसी के नाम की बड़ाई करते हैं और आज आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर जब ऐ खुदा तेरे बेटे और बेटियां जमा हुए ताकि खुदावंद तेरे कलाम को ऐ खुदावंद तेरे कलाम से सीखे ऐ खुदावंद आज ऐ खुदा तेरा कलाम तेरा मंसूर ऐ खुदावंद तू दराज से तेरे कलाम की मुनादी करने को है ऐ खुदावंद यीशु के नाम से ऐ खुदावंद यहां बैठी एक एक जिंदगी के लिए ऐ खुदावंद फर्द फर्द नाम लगा ऐ खुदा सब के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं ऐ खुदा अपने हाथ को बढ़ा और सब को ऐ खुदा सुनने के कारण अता फरमा कबूल करने वाला तेरे बख्श के ताकि खुदावंद तेरे कलाम को तेरे मुंह की बातों को सुने और खुदावंद अपने दिल नशी करे ताकि खुदावंद रूहानी तजर्बा हासिल करे और रूह के गहने में चले आसमानी बाप आज तेरे मशहूर ऐ खुदावंद तेरे कादर के लिए अपने भाई के लिए ऐ खुदावंद भाई आसम के लिए तेरे मशहूर शुक्रगुजारी करते ऐ खुदा जिसने इस सेमिनार का ऐ खुदा एहतमाम किया ऐ खुदावंद अपने बंदा पर अपने रोशनी मंतवी हाथ ऐ खुदावंद रूहान और खुदा से अपने पता को घेर और रुख के कहने में ले चल ताकि खुदावंद इसी तरह तेरे रसूल के फत रसाई का काम करे और खुदावंद बहुत सारी रुखों तक रसाई हो और खुदावंद बहुत सारे लोग ऐ खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत के वसीला से बरकत पाए यीशु के नाम में जानने वाला है मेरा वो जानने वाला है ये काम मेरा वो
आपकी मुश्किल हो सकती है। और वो कहता है सबसे अगले प्रोग्राम में को मौका मिलेगा आप सुन सके। खुदा आपके लिए बहुत बड़ा मकसद रखता है और खुदा आपको अपने शिकार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेहरबान वफादार खूबसूरत बाप हम शुक्रगुजार हैं इस बड़ी रोया के लिए जिसमें तूने अपने खादिमों को इकट्ठा किया है ताकि आने वाले वक्त में खुदावंद इस यूनिवर्सिटी के जरिया से तेरा कलाम सीखने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिखाने वाले तमाम टीचर्स के लिए सारे अच्छे इंतजाम के लिए हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते तेरी तारीफ करते तेरी स्ताइश करते और ये रोया यीशु के नाम से बढ़े और तेरे लोग हमेशा तेरी मोहब्बत में और तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं। आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए उन तमाम प्यारों के लिए जो दूर नज़दीक से जमा हैं हम उन सबों की सलामती खुशहाली बहाली और तरक्की चाहते हैं खुदा तो सबको बरकत दे। आज के सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत हो जो भी बाकी प्रोग्राम है उस पर भी तेरी बरकत आए वो अपने आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है खोल और अपने लोगों को बरकत दे यीशु के नाम में आमीन आमीन। ये जो प्रोग्राम है ये पास्टर्स की दुआओं के वसीला से जो सियासी रहनुमा हमारे गांव के हैं सियासी क़यादत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं उनकी उसादत से और आप सब के तावन के साथ ये अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं चाहूँगा आप सब सब प्रोग्राम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए तालियां बजाएंगे। अब मेरे कहने के बाद सबसे पहले अपने गांव के नंबर वन तलाब जेकब साहब को इन्हीं तालियों की गूंज में मैं स्टेज पे आने की दावत दूंगा। वाइन के प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम करना मेरे अजीज आपने वक्त भी जाया किया आप इधर आए भी पर मैं अगर कहूं कि सिर्फ 5% लोगों ने ये प्रोग्राम सुना है बाकी कपड़ों का भाव ही पूछ रहे हैं ये बहुत अफसोस की बात है हंसने की बात नहीं है। आप अगर जिस मुल्क में रहते हैं आप अगर अपनी तालीमी पचीदगियों में जाए तो आपको पता चलेगा कि आप खड़े कहां ये तो खुदावंद का फजल है खुदावंद के लोगों की दुआओं के वसीले से पाकिस्तान में ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि
कि हमारी मसीही नस्ल जो तालीम में बहुत पीछे है उनके लिए खुदा के फजल से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम मरतब किया गया जो शुरू होने जा रहा है। मुझे मौका मिला है थोड़ा सा कि आपसे मैं अगर महसूस ना करूं तो ये बात कर सकूं। मेरे इज्जत मुआब उस्ताद जो हमारे बच्चों को तालीम देते हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे मजहबी रहम भाव भी मौजूद हैं और हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि तालीम हमारे लिए कितनी जरूरी है। फरिश्तों ने तो गवाही दे दी थी, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि बादशाहों का बादशाह पैदा हो गया है, गडरियों में ने भी जाकर गवाही दी। पर आप ये देखो कि यीशु मसीह को तालीम देने की क्या जरूरत थी। दुनिया को तो पता चल ही गया था कि बादशाहों का बादशाह आ गया है, पर यीशु मसीह ने अपनी छोटी उम्र में तालीम देना चाहिए कि लोगों को पता चले कि खुदा की बादशाही नजात ये सब क्या है। इसीलिए मेरे बच्चों अजीजों, तालीम हमारे लिए इतनी जरूरी है। पूरी दुनिया में आप देखो, ये मैं सुन रहा था अंधे बंदे ने क्या कुछ किया जो देख नहीं सकता, 50 किताबें वो लिख गया, उसका मुफाद किसको जा रहा है? उसको मुफाद अपनी कम्युनिटी को, दुनिया को जा रहा है। मैं सुन रहा था कोई 125 मुल्कों में उन्होंने यूनिवर्सिटीज कायम की हैं, किस लिए? अपनी कौम के लिए कि वो तरक्की पाए, तालीम हासिल करें, खुशहाल रहें। मैं ये आपको जाता जाता बता दूं कि आपने गांव की पोजीशन को देखें, जिन लोगों के पास जमीनें थी, जमींदार थे, कितने हैं वो? सब खत्म हो गया और जो रह गया वो मैं आपको बता दूं कि वो खत्म होने जा रहा है। कौन लोग ऊपर उठ रहे हैं, कौन लोग ऊपर जा रहे हैं जिनके बच्चे तालीम हासिल कर करके ऊपर गए हैं और अपनी सारी फैमिली को उन्होंने समेट लिया है, खुशहाल है वो लोग। जमींदार किस तरह खाद भी बेचारे को मिलती, और वो लोग जो तालीम हासिल करके अच्छे मकाम पर हैं उनके खानदानों का बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। तालीम एक ऐसी चीज है कि उसको यहां तो कोई भी यहां से बाहर निकले कोई दो चार चांटे लगाकर उससे छीन नहीं सकता। सोना जेवर पैसे तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है कि ना इसको कोई शेख लगती है, ना इसको घुण लगता है, ना जंग लगता है, बल्कि ये बंदे को उसके खानदान को निखार देती है। तो आपने ये सारा प्रोग्राम जो घंटे डे का होगा ना, मैं ये देख रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की भाई आसर को कि यार इनको कहें कि दूसरों को सुन लेने, जो नहीं सुन सकते वो चलो वो मौसम हो जाए। बड़ा अच्छा मौका कई लोगों ने ये गवाया है। एक बड़ी खास मैं बात आपको तालीम के हवाले से और जो आपका मुल्क पाकिस्तान में हाल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महसूस न कर रहा ये स्टेज तो नहीं है, लेकिन मेरा दाल लग गया है कि मैं आपको ये बात कहता चलूँ। मेरे सियासी रहनुमा भी बैठे हैं, उनको भी पता होगा, आप भी सारे बैठे हैं, आपको पता है कि आपकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका हाल क्या है गवर्नमेंट के कागजों में। अब आपका वोट होने जा रहा है तकरीबन 6,000 से 6,500 और आपकी आबादी पता कितनी है? 7,400 आबादी है। ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूं कि 7,465 आपकी आबादी है पाकिस्तान में, आपको कोई उठने ही नहीं देता। आप कहां कर रहे हैं? आपको स्टेट बनता है सीखने का तो आपकी अपनी गुफ्तगू ही नहीं खत्म होती,
ये कैसे हो सकता है 6600 हमारा 18 साल से ऊपर का बंदा है और 5 और 4 900 लोग ऐसे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी तरक्की में रुकावट है। ये कैसे निकलेगी? मैं दरखास्त करूंगा अपने उस्ताद ग्राम से, खासतौर पर सर मुनीर रंजन से, और अपने नौजवानों से जो बड़े आजकल एक्टर हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप वॉलंटियर एक टीम तैयार करके अपनी आबादी बाहर लेकर आए कि हमारी आबादी एग्जैक्ट है कितनी। आपको पता है कि आपके लिए कितनी मुश्किल अब पैदा होने जा रही है कि जो पहली यूनियन काउंसिल थी उसका अब कुछ नहीं रहा, वो उसकी आबादी बनती है 13,000 तकरीबन, और यूनियन काउंसिल बनेगी 18,000 की, 18,000 से 20,000 या 21,000 यहां पर आके तो ये रुक जाएगी। ये आपकी खूबसूरती चेयरमैनी है, ये सब कुछ फारिग हो जाएंगे आपकी पॉपुलेशन की वजह से। हम यहाँ 15-20,000 हम शो रहे हैं 7,000। ये जहालत है। 1916 से गांव बनाया, तालीम यहां पर इतनी है लेकिन अभी भी तालीम का फुकदान है बहुत। अपनी कौम के लिए हम काम नहीं करते। तो मैं ये गुजारिश करूंगा नौजवानों से भी कि अपने लिए, अपनी कौम के लिए और मुल्क के लिए इस काम को जरूर करें ताकि हम किसी से निपट सकें। मैं गया हूं इलेक्शन ऑफिस, उनसे बात की है कि मेरा वोट तो आ रहा है 6500 और मेरी आबादी आ रही है 7400। उन्होंने कहा कि हमारे पास में तो नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये सामने हुआ था आज से 25 साल पहले, उस वक्त हमारी आबादी काउंट हुई थी 7000। 25 साल तक हम 7000 ही हैं। मैं तो नपाड़ आदमी, इतना ज्यादा मैं नहीं समझता, लेकिन जो पिछले ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इसको जरा फोकस करें। बड़ा मेहरबानी, अब खत्म होने जा रहे हैं, शांति नगर खत्म होने जा रहा है। ये मेरी बात को लाइटली ना लेना, ये मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। फोकस करें अपने खानदान पर, अपनी औलाद की तालीम पर। वोट हो जाएगा 10,000, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी आपकी 7,000। इसके मुझे और आप सबको मिलकर वर्क करना बहुत जरूरी है। मुल्तान है इसका अदारा जहां से हमें पॉपुलेशन की सारे एग्जैक्ट फिगर मिलेंगे, लेकिन हम कोई कानूनी कार्रवाई फिलहाल नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान उठे, अपने गांव के एक प्रोफार्मा बनाए और अपनी आबादी को खुद लेकर आए ताकि हम इसको फेस कर सकें कि हम कहां पर खड़े हैं। तो मेरे बच्चों, अजीजों, खासतौर पर स्टूडेंट, हमें तो पहले ही बड़े खुश हैं पाकिस्तान में। वो एजाज अगस्टीन साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कहते हैं मैं बड़ा खुश हूँ कि 2% हमें हायर एजुकेशन में कोटा मिल गया है। अरे ये तो सिर्फ आपके लिए है, ये जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है ये सिर्फ आपके लिए है, इसमें कोटा सिस्टम नहीं है। ना आपको कोई पैसों की फिक्र है, कहां से लोग बैठे पैसों का हिसाब लगा रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो हमें ये फल जरूर खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये मैं कहूँ कि ये सारा क्रेडिट आसफ तशीद बेटे को जाता है और सारे खादमों को जाता है जो इस गांव की, अपनी कौम की बहादुरी के लिए दुआ कर रहे हैं, वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि खुदा इस प्रोग्राम को कामयाब करे और मेरी कौम मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। जाते 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 एक और बात मैं कह जाऊं, सामने शांति नगर 6 फरवरी 25वां यौम तशक्कर आ रहा है। तो जैसे ये बच्चे सारे छोटे जिनकी उम्र 25 साल से कम है, जिनको इस सामने का पता नहीं है, 25 साल होने जा रहे हैं सिल्वर जुबली है, तो इस प्रोग्राम में जरूर आइएगा, आइएगा। बड़ा अच्छा आपकी कौम का स्कॉलर जो है पास्टर शफीक साहब, मैंने पढ़ा है वो
आ रहे हैं उसको जरूर सुनिए। और जिंदा कौमें जो हैं वो अपने माजी को कभी नहीं भूलती। जिस क्राइसिस से हम गुजरे हैं उसको मेरी इस छोटी नजर को याद रखना बहुत जरूरी है कि हम किस मुल्क में रहते हैं, कहां रहते हैं और हमारे साथ क्या हो सकता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। खुदा साहब को बरकत दे। भाई को शीख का भी शुक्रिया।